हेलो माय यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हो आप लोग? आए हो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, ये फ़ोटो हमने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया था, तो काफ़ी बंदों ने बोला कि इसका ट्यूटोरियल चाहिए। तो फाइनली गाइस, आज मैं इसका ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो को आपको बिना इसके हुए फुल वॉच करना होगा गाइस, क्योंकि गाइस ऐसा फ़ोटो बना के आप इंस्टाग्राम में अपलोड करके बहुत ही अच्छे खासे फॉलोवर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो गाइस, फ़ोटो को जूम करके बहुत ही होसम फोटो लग रहा है गाइस, क्योंकि गाइस हमने इसमें बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज़ किया है। तो मैं सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो गाइस करते हैं वीडियो शुरू। तो गाइस आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में घंटे का बटन है उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइस करते हैं वीडियो शुरू। तो देख सकते हो गाइस, कुछ इस टाइप का हमारा रियल फोटो है और गाइस इसको हम एडिटिंग करेंगे, वो भी लड़की के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है आपको स्केच बुक के अंदर। गाइस हम पेज स्मूथ करेंगे, तो आपको फटाफट से शेयर कर लेना है स्केच बुक के अंदर, ठीक है मेरे भाइयों। तो इसके अंदर जैसे फ़ोटो शेयर हो जाता है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़ोटो को थोड़ा बहुत जूम कर लेना है गाइस। और तो गाइस फ़ोटो को जूम करके देख सकते हो गाइस, फेस बहुत ही ख़राब सा लग रहा है गाइस। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको यहाँ चले जाना है, ठीक है मेरे भाइयों। जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। लाइब्रेरी ओपन करोगे ना गाइस, तो आपको स्क्रॉल करना है मेरे भाई, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। तो ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाओगे ना, तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ब्रश देखने के मिलेंगे। तो ये मैं चिन्ह लगा दूँ गाइस इस टाइप के, तो आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। मैंने तीर वाला आइकन लगाया है ये वाला, ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग देखने मिलेगा। तो सेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ आपको सही से समझना है, ताकि आपको पेज स्मूथ करने में दिक्कत नहीं हो। तो मेरे भाई इसको रख लेना है आपको 5, और इसको रख लेना है गाइस को 4 कर लेना है, 5 है तो इसको 4 कर लेना है, ठीक है। और जो गाइस ये ऊपरी ऊपर लाइन है ना, इसको आपको रख लेना है गाइस, अभी इसको रख लेना है 20 पॉइंट कर लेना है, ठीक है 20 पॉइंट कर लेना है, इसको लाइन को पकड़ कर इस पर 20 पॉइंट कर लेना है, ठीक है। 20 पॉइंट रखने के बाद आपको यहाँ पर कट वाला आइकन देखने मिलेगा, तो कट में क्लिक कर देना है नीचे की तरफ, और जूम कर लें अपने फोटो को, और कुछ इस प्रकार से अपने पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है, गोल गोल घुमाना, ठीक है मेरे भाइयों। तो स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रश को गोल गोल, तो फ्रेंड्स देख सकते हो पेज स्मूथ करने के बाद कुछ इस टाइप से मेरा फोटो हो जाएगा। होने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फाइनल इस फोटो को यहाँ से 3 डॉट में क्लिक करके इसको आपको शेयर वाले आइकन में क्लिक करके और इसके नीचे वाले आइकन में क्लिक करके इसको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो गाइस हमारा, तो दोस्तों हमारा फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। आने के बाद गाइस आपको नीचे टूल्स देखने को मिलेंगे मेरे भाइयों, तो आपको स्क्रॉल करना है इधर, और आपको यहाँ पर कलर वाला जो टूल्स आए ना, आपको वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है कलर में, ठीक है मेरे भाइयों। कलर में क्लिक कर लेना है गाइस, और गाइस अगर मेरे बोलने से कुछ प्रॉब्लम है तो गाइस कलर में क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर मिक्स में क्लिक कर देना है, मिक्स में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मिक्स में क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ से दूसरा नंबर वाला जो कलर है ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके नीचे दूसरे नंबर वाली लाइन है ये वाली, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको माइनस करना है, आपको प्लस नहीं करने का, ठीक है। अगर आप प्लस करोगे ना हमारे पेज के ऊपर कलर आ जाएगा, तो इसको माइनस करना है। माइनस रख लेना है इसको 24 माइनस, और इसके नीचे वाली इसको आपको बढ़ा लेना है, इसको बढ़ाना है गाइस आपको, इसको 42 प्लस कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फाइनली यहाँ से इसमें क्लिक कर लेना है 3 नंबर वाले कलर में, येलो कलर में, और इसमें क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसको करना है इधर रख लेना है गाइस इसको 9 माइनस, और इसके नीचे वाले इसको बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसको 39 प्लस कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको फाइनली ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको माइनस करना है आपको, ठीक है। इसको माइनस करना है और इसको आपको प्लस रख लेना है, ठीक है। प्लस 27 नीचे वाले को, और इसके ऊपर वाले को माइनस 49, ठीक है। और इसके ऊपर वाले को इसको रख लेना है आपको माइनस 62, ठीक है मेरे भाई। और ये वाला कलर सेट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कपड़ों में कलर आएगा गाइस, कपड़ों में चमक आएगा, ठीक है।
तो इसको माइनस करना है आपको, -57 और उसके नीचे वाले को बढ़ा लेना है, इसको आपको बढ़ाना है, नहीं सॉरी इसको आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। और इसके नीचे वाले को उसको हल्का सा आपको इतना रख लेना है, इसको 3 माइनस और इसके ऊपर वाले को 31 माइनस और इसके ऊपर वाले को 56 माइनस, फिर डन कर देना है आपको। और देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा। होने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली गाइस आपको ऐसे शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है और इस फोटो को आपको फोटो रूम एप्स के अंदर शेयर कर लेना है। गाइस हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे गाइस, तो आपको फोटो रूम एप्स के अंदर शेयर कर लेना है। ये देख सकते हो गाइस फोटो रूम, तो डेटा ऑन कर लेता हूँ गाइस मैं, और डेटा ऑन हो जाने के बाद इसको शेयर कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये बहुत ही अच्छी खासी एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा खासा बैकग्राउंड रिमूव करते हैं गाइस, ये देख सकते हो गाइस अभी। तो कुछ इस टाइप से शेयर करने के बाद ये लाइन आएगी गाइस, तो इसको थोड़ी देर वेट करना है आपको, ठीक है मेरे भाइयों। तो जैसे गाइस आप वेट करोगे ना, तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो गाइस। तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ, इस इधर क्लिक करने के बाद मैं फाइनली गाइस यहाँ से शेयर वाले आइकन में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। तो डाउनलोड करने के बाद गाइस मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ और यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ गाइस यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को। तो आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है ना, आपके सामने प्लस वाला आइकन देने मिलेगा नीचे की तरफ, तो आपको प्लस में क्लिक कर देना है। प्लस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो में जाना है। जाने के बाद गाइस यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ पहले। तो दोस्तों ये हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। होने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है आपको तीसरे नंबर में इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से आपको ब्लर में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो ब्लर, ब्लर में क्लिक करने के बाद गाइस आप जैसे ब्लर में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ फर्स्ट में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये लाइन आएगी ना गाइस ऊपर वाली, इसको इंक्रीज कर लेना है आपको, इसको बढ़ा लेना है गाइस, इसको आपको 70+ कर लेना है और फाइनली यहाँ से आपको राइट कर देना है, ठीक है मेरे भाई। राइट करने के बाद गाइस आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस आपको स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ पर देने मिलेगा गाइस कलर, तो आपको कलर में क्लिक कर लेना है। कलर में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है इधर की तरफ इधर। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ पर देने मिलेगा ऐड फोटो। तो मैं चिन्ह लगाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐड फोटो में जाना है मेरे भाई। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हमने जो हमारा बैकग्राउंड रिमूव किया था ना, उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मैंने फाइनली फोटो सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ पर मैं लड़की वाला पीएनजी ले लेता हूँ गाइस, इसको आपको इस प्रकार सेट करना है, इसको बड़ा कर लेना है, देख सकते हो गाइस इसको परफेक्ट तरीके से आपको सेट करना है इस प्रकार, देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से पकड़कर दोनों फोटो को कुछ इस प्रकार से को सेट कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। रखने के बाद आपको फाइनली यहाँ से राइट क्लिक कर देना है राइट में, ठीक है। राइट में क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा। होने के बाद गाइस आपको यहाँ से फिर से ऐड फोटो में जाना है गाइस, और एक पीएनजी और ऐड कर लेता हूँ मैं। तो गाइस ये कुछ ही टाइप का है फोटो पीएनजी एडिटर। तो गाइस आपको स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ पर ब्लेंड में क्लिक कर देना है। ब्लेंड में क्लिक करने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद इसको यहाँ सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपको फाइनली यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं गाइस, इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको शेयर कर लेना है यहाँ से, इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों हमारा फोटो आ चुका है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। आने के बाद गाइस आपको यहाँ से टूल में जाना है मेरे भाई, और टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा डिटेल्स, डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। डिटेल्स में क्लिक करने के बाद नीचे शार्पिंग, तो शार्पिंग को आपको इंक्रीज कर लेना है 38+ कर लेना है। करने के बाद आपको फाइनली यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में क्लिक कर लेना है फिर से। टूल्स में जाने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर सिलेक्टिव, सिलेक्टिव में आपको क्लिक कर देना है और प्लस वाला आइकन इस प्रकार अपने कपड़ों में बना लेना है और उसको बड़ा कर लेना है इस प्रकार, और नीचे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। और इसके नीचे सैचुरेशन, तो इसको भी आपको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। और इसके नीचे वाले को भी आपको बढ़ा लेना है, ठीक है।
कुछ इस टाइप से। फिर प्लस में क्लिक कर लेना है और जो हमने कपड़ा है ना गाइस इसमें रख लेना है इस प्रकार, और कंट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है नीचे की तरफ, और उसके नीचे सैचुरेशन तो इसको भी इंक्रीज कर लेना है, और उसके नीचे वाले इसको भी इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फाइनल यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको फिर यहाँ टूल्स में जाना है। जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ट्यून म्यूजिक देखने मिलेगा फर्स्ट में, तो ट्यून म्यूजिक में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को आपको 7 प्लस कर लेना है, कंट्रास्ट को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है गाइस इसको 6 प्लस, और इसके नीचे सैचुरेशन, तो सैचुरेशन को आपको कुछ नहीं करना है गाइस, और इसके नीचे इसको आपको बढ़ा लेना है, इसको 20 प्लस कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको फाइनल यहाँ से राइट कर देना है, और देखते हो गाइस फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। और बाकी है गाइस अब हेयर स्टाइल करेंगे हम, तो हेयर स्टाइल करने के लिए आपको शेयर कर लेना है इस फोटो को यहाँ से स्केच बुक के अंदर। तो गाइस फिर से हमारा फोटो आ चुका है स्केच बुक के अंदर, जूम कर लें हमने फोटो को गाइस, और जूम करके गाइस आपको यहाँ जाना है। जाने के बाद आपको इधर ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, अभी लाइब्रेरी ओपन है तो लाइब्रेरी ओपन करके कुछ इस टाइप का ब्रश देने मिलेंगे हमने जहाँ स्मूथ किया था ना, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सही से समझना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना अगर अगर आपको प्रेशर नहीं आई तो, ठीक है, इसको 12 रख लेना है, इसको 14 और इसको 41, फिर यहाँ से कट कर देना है और इस प्रकार रोटेट कर लेना है अपने फोटो को, और कुछ इस प्रकार से अपने हेयर के ऊपर ब्रश को चला लेना है। देखते हो गाइस कुछ इस टाइप से इस प्रकार से हेयर के ऊपर ब्रश को चला लेना है, ठीक है। तो मैं इस प्रकार चला रहा हूँ ना, तो आपको इस प्रकार ब्रश को चला लेना है, सेटिंग हमने रखी वही रखना है, और कुछ इस प्रकार से अपने हेयर के ऊपर, ताकि हमारे हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगे गाइस। और हेयर स्टाइल हो जाने के बाद गाइस फोटो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपको हेयर स्टाइल को इस प्रकार कर लेना है, ठीक है। मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ ना आपको हेयर स्टाइल, इस प्रकार आपको हेयर स्टाइल करना है। और जो गाइस ये पार्ट है ना इसको आपको इस प्रकार रेज करना है, इधर की तरफ ये हट जाएगा, ठीक है। कलर है ना बैकग्राउंड इसकी तरफ से खींचना और इधर करना है, ये इस प्रकार हट जाएगा, तो इसको हटा लेना गाइस, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हटाने के बाद गाइस आपको इस प्रकार हेयर को कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस फोटो में कितना अच्छा लुक आ रहा है जैसे हेयर स्टाइल कर रहे हैं, और कुछ इस प्रकार इधर से भी हटा लेना है इसको जो कलर आया ना गाइस इसको, और कुछ इस प्रकार से हेयर स्टाइल हो गए, देख सकते हो गाइस। तो देखते हो गाइस कुछ इस टाइप से हमारे हेयर स्टाइल हो चुके। होने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा गाइस, हम थोड़ा बहुत यहाँ फोटो में लिप्स लगाएंगे। लिप्स लगाने के लिए आपको यहाँ पर कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट हो चुका है हमारा, रेड कलर यहाँ से कट कर लूँगा। कट करने के बाद गाइस आपको यहाँ से ब्रश ले लेना है, ब्रश में जाना है गाइस आपको, यहाँ पर लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। लाइब्रेरी ओपन हो जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ आ जाना है, स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है, और आपको 4 नंबर देने मिलेगा, 4 नंबर के जस्ट नीचे ब्रश देने मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर देना है। लाइब्रेरी ओपन करने के बाद गाइस सही से समझना है, इसको 100 रख लेना है, और इसको रख लेना गाइस आपको 10 पॉइंट कर देना है इसको, ठीक है, 10 पॉइंट या 8 पॉइंट कर लेना है, और कट कर लेना है। कट करने के बाद एक बात और जाना है गाइस आपको, यहाँ पर समझना, यहाँ जाना है आपको और प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद व्हाइट वाली लेयर ओपन हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, जूम करना और जो अपने होट एंड गाइस इस प्रकार होट के ऊपर लिप्स लगा लेना है। तो देख दो गाइस बहुत ज़्यादा कलर हो चुका है, बट आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको यहाँ जाना है। जाने के बाद यहाँ से व्हाइट वाली लेयर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ब्लेंडिंग एंड नॉर्मल, इसमें क्लिक करना और स्क्रॉल करना, और आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट में आपको क्लिक कर देना है। सॉफ्ट लाइट में आप क्लिक करने के बाद आपको तीर वाला आइकन में क्लिक करना, और तीर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद लाइन आएगी, इसको कम ज़्यादा कर लेना है। देखते हो गाइस इसको रख लेना है आपको, इतना कर लेना है, और देखते हो गाइस कुछ इस टाइप से मेरा फोटो हो जाएगा। होने के बाद थोड़ा बहुत स्मूथ करेंगे गाइस हम पेज को फिर से, तो आपको यहाँ पर जाना है जो हमारा फोटो है इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, बस लेंगे हम गाइस, तो लाइब्रेरी ओपन कर लेना है और स्क्रॉल करना गाइस, और आपको यहाँ पर स्मूथ वाले जो ब्रश है ना गाइस यहाँ पर देखते हो गाइस स्मूथ भी लिखा है, यहाँ पर ये लिख रहा है यहाँ नीचे ये रहा, स्मूथ में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस हमने जो पेज स्मूथ किया ना वो ब्रश ले लेना है। लेने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस इसको रख लेना है, अभी इसको कम कर लेना है, और इसको आपको पता ही होगा गाइस ये, तो ठीक है जूम कर लेना, और ये जो हमारे पेज है गाइस इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से मैं ब्रश को चला लेता हूँ।
होने के बाद गैस आपको एक बात और बता दूँ मैं गैस, आपको हम थोड़ा बहुत गोरा करेंगे मेरे पेस को, किस प्रकार करना है गैस। तो आपको मेरे भाई हो कलर में जाना है, ठीक है। कलर में जाने के बाद आपको वाइट वाला कलर सेलेक्ट करना है, जैसे वाइट, ठीक है। अगर आप इसमें क्लिक कर भी वाइट वाला कलर सेलेक्ट कर सकते हो, तो वाइट वाला कलर सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर, देखते हो। और कट कर लेता हूँ मैं, कट करने के बाद मैं यहाँ से इसमें क्लिक करता हूँ डबल एक्स फोर में, इसमें क्लिक करने के बाद मैं प्लस आइकन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो गैस, ये वाइट वाली लेयर ओपन हो गई। होने के बाद आपको यहाँ से यहाँ ब्रश लेंगे गैस, तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। लाइब्रेरी ओपन हो जाने के बाद गैस, हमने जो चार नंबर का ब्रश लिया था ना, तो आपको गैस ये दो नंबर के नीचे जो ब्रश है ना, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सही से समझना है गैस, इसको रख लेना है 16, इसको रख लेना है 100, और कट कर लेना है। कट करने के बाद गैस आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। जाने के बाद ये बीच वाली लेयर है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड नॉर्मल, इसमें क्लिक करना, और आपको यहाँ से फिर से सॉफ्ट लाइट में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जूम कर लें अपने फोटो को, और कुछ इस प्रकार से देखते हो गैस, कुछ इस प्रकार से फेस के ऊपर ब्रश को चला लेना है। तो मैं थोड़ी बहुत ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ जाना है गैस। जाने के बाद आपको वाइट वाली लेयर है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लाइन आएगी, तो लाइन में आपको क्लिक करके इसको कम कर लेना है, इस प्रकार देख लेना आपके हिसाब से गैस। तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ और कट कर लेता हूँ, और कुछ ये प्रकार से मैंने पेस्ट के ऊपर चला ब्रश को चला लेता हूँ। तो यहाँ से गैस गोरा हो जाएगा हमारा पेस, जो ब्लैक ब्लैक है ना गैस, वो गोरा हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार अपने पेस्ट के ऊपर ब्रश को चला लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि हमारा फोटो बहुत अच्छी तरीके से लगे गैस। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना गैस। आपको पता है कि मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ गैस, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना गैस। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारा फोटो, और होने के बाद देख दो गैस फोटो में कितना ज़्यादा लुक आ चुका है। आ जाने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फाइनली यहाँ से थ्री डॉट में जाना है, और शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और इसके नीचे वाले इसमें क्लिक करना है, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गैस ये सभी बैकग्राउंड और ये पीएनजी और ये लड़के वाला फ़ोटो, तो गैस मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको फ्री में बैकग्राउंड और पीएनजी आपको मिलते रहते, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो गैस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना गैस, और ऐसी वीडियो देने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।